एम्फीबिया जो वीडियोस था ऐसे बोगी को, उसमें हम लोग बात किए थे डिफरेंट पार्ट्स का बारे में, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण जो मेरा वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट्स, यानी बोगी का डिफरेंट मेजरमेंट्स जो है इसके बारे में बात करेंगे। और इसका साथ साथ आपका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बोगी में, इसका बारे में और बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको जो है मालूम हो जाएंगे ए बोगी का, ए दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द ऑन बोगी ऑफ ऐसे बोगी, तो इसमें जो है आपका पूरा क्लियर आपका हो जाना चाहिए। तो फास्ट आते हैं, देखिए प्रोविजन ऑफ रनिंग क्लियरेंस, जब गाड़ी हम लोग जो है लोअर करते हैं माने आफ्टर असेंबल पूरा गाड़ी, जब POS में हम लोग गाड़ी को बैठाते हैं उसका बाद कुछ मेजरमेंट लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेजरमेंट पर डिपेंड करते हैं आप जो गाड़ी का काम किए हैं, ये जो आपका गाड़ी को जो बैठे हैं वो परफेक्टली बैठा कि नहीं है, ये जो परफेक्शन है कि नहीं है, इसी का स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। तो इसमें जो है आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फास्ट आता है ए क्लियरेंस, व्हाट इज़ ए क्लियरेंस, ए क्लियरेंस क्या है, इट इज़ ए क्लियरेंस टू बी प्रोवाइडेड बिटवीन द एक्सेल बॉक्स क्राउन एंड क्राउन बोल्ट पैड, एक्सेल बॉक्स का जो क्राउन है और एक क्राउन बोल्ट पैड है, ये दोनों का बीच में जो गैपिंग होते हैं इसको बोलते हैं आपका ए क्लियरेंस व क्राउन क्लियरेंस। इसको इसका कितना मेजरमेंट होनी चाहिए, इन टेयर कंडीशन दैट इज विदाउट एनी लोड, केवल जो है गाड़ी का टेयर कंडीशन में आपका गाड़ी जब हम लोग बोगी में बैठाएंगे तो उसमें जो मेजरमेंट हम लोग को होने चाहिए ई शुड बी 40 + 3 - 0 mm, दैट इज आपको 43 mm आपका होनी चाहिए। तो ए क्लियरेंस हम लोग क्या कहाँ करेंगे, यहाँ देखाएंगे आपका एक वीडियो में, देखिए दिस इज द एक्सेल बॉक्स, हम लोग जानते हैं दिस इज द एक्सेल बॉक्स, एक्सेल बॉक्स का ऊपर में आप लोग जब चेक देखेंगे उसमें एक प्लेट लगाया जाता है, इसको बोलते हैं आपका क्राउन प्लेट, इसका ऊपर में जो है आपको जो है एक प्लेट लगाया जाता है जिसको बोलते हैं आपका क्राउन प्लेट, दिस इज द क्राउन प्लेट। और ऊपर में देखिए एक बोल्ट है, एक क्राउन बोल्ट बोलते हैं इसको, नीचे में जो है आपका रावर का एक पैड लगाया जाता है ताकि दिस रावर पैड व्हेन इन बाउंसिंग कंडीशन में आपको दिस रावर पैड विल मेट टचेस विद द दिस क्राउन प्लेट, मतलब रावर पैड का साथ आपको क्राउन प्लेट का साथ आपको टच कर सकते हैं बाउंसिंग फोर्स के लिए। तो ए जो है इसमें इन टेयर कंडीशन में इसमें जो गैपिंग होते हैं इसको बोलते हैं क्राउन क्लियरेंस, इट शुड बी 40 + 3 - 0 mm, दैट इज 40 से 43 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट है बी क्लियरेंस, बी क्लियरेंस दिस इज वेरी वाइटल, इट इज ए क्लियरेंस टू बी प्रोवाइडेड बिटवीन द बोस्टर टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बोगी सोल बार, दैट शुड बी 40 + -5 mm टू ऑल टाइप ऑफ द बोगीज। यहाँ देखिए बोस्टर क्लियरेंस, इसमें आपको जब गाड़ी लोअर करेंगे तो आपका जो एंटीएक्सर को आप जब फ्री इंस्पेक्शन के लिए आप गाड़ी को हैंड ओवर करोगे उस टाइम में जो है ये एंटीएक्सर जो है ना बोस्टर क्लियरेंस एकदम मेजर करेंगे ही करेंगे। तो इससे आपको जो है ना आफ्टर लोअरिंग द कोच इन टेयर कंडीशन यू शुड हैव टू मेजर द बोस्टर क्लियरेंस। तो बोस्टर क्लियरेंस कितना किसको बोलेंगे हम लोग, देखिए ये जो बोगी है बोगी का जो साइड फ्रेम है उसका लोअर प्लेन से मतलब आपको नीचे वाला पोर्शन से ये बोस्टर में अभी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको देर इज नो गैप, बट व्हेन द कोच विल बी लोअर्ड इन दैट कंडीशन देर विल बी सम गैप इन बिटवीन दिस बोस्टर एंड द साइड फ्रेम दैट इज लोअर प्लेन ऑफ द बोगी साइड फ्रेम, ये दोनों का बीच में एक गैप होंगे, इसको बोलते हैं आपका बोस्टर क्लियरेंस बी क्लियरेंस। इसमें कितना होनी चाहिए 40 + -5 mm, 40 + -5 दैट इज 35 से 45 mm का होने चाहिए, मतलब आपको 35 से 45 mm मैक्सिमम होनी चाहिए, इससे आपको ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको कभी गाड़ी जो है आपको पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है आपको राइडिंग क्लियरेंस, राइडिंग क्लियरेंस इसको ये क्या है राइडिंग क्लियरेंस, देखिए
गाड़ी में जब हम लोग बैठते हैं, पैसेंजर जब आपको जो सफ़र करते हैं उसको कितना कम्फर्टनेस मिलना चाहिए, तो देयर इट विल डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द राइडिंग इंडेक्स। राइडिंग इंडेक्स पर वो डिपेंड करते हैं आपका जो है ना बाहर का हीट, बाहर का साउंड, ये अंदर वाला जो साउंड है, ये अंदर का जो हीट है, आप कितना फील करते हैं, तो इसका पर डिपेंड करते हैं आपको राइडिंग इंडेक्स। तो ICF में जो राइडिंग इंडेक्स दिया गया है, इसका जो बोगी का जो राइडिंग इंडेक्स है दैट इज 3.25 to 3.50, दैट इज आपका गाड़ी जब रन करते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो है 3.50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है, जितना राइडिंग क्लियरेंस ज़्यादा होंगे उतना जो है आपको पैसेंजर को कॉम्फर्टनेस कम मिलेंगे, पैसेंजर को कॉम्फर्टनेस कम मिलेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम दे रहे हैं आपका जो है LHB में जो आपका राइडिंग क्लियरेंस है इसमें जो है आपका 2.75 to 2.5 मैक्सिमम है। तो इसलिए जो है ICF से LHB में जो है कॉम्फर्टनेस ज़्यादा मिलता है, इसलिए राइडिंग क्लियरेंस ICF से LHB का राइडिंग इंडेक्स जो है आपका कम है, 2.5 to 2.75 है, और ICF में है 3.25 to 3.50। नेक्स्ट है आपको ट्रांस बीम हैंगर। आप लोग जानते हैं गाड़ी में जो आपका यहाँ पर हम लोग जो बोले थे आपका ट्रांस बीम हैंगर किसको बोलते हैं, दिस इज द ट्रांस बीम हैंगर। यहाँ जो ब्रेक हैंगर हम लोग इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस बीम हैंगर। देखिए ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग का, देखिए पहले वाला जो आपका ये था गाड़ी था जिसमें हम लोग जो ट्रांस बीम यूज़ करते थे उसका जो लेंथ था वो 205 मिलीमीटर, अभी जो है आपका जो लेंथ हम लोग यूज़ करते हैं वो 235 मिलीमीटर का, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था। इसलिए जो है आपको कभी कभी जब टायर कंडीशन में आपको गाड़ी का चक्का जो आपका जो गाड़ी का जो हाइट है बाफर हाइट होता था, तो आपको जो है उसमें जो है आपका ट्रांस बीम हैंगर के लिए जो है आपका जो चक्का का साथ आपको ब्रेक ब्लॉक जो जहाँ फिटिंग होता था जब लोड देते थे वो धीरे धीरे आपका मैक्सिमम डायमीटर में आ जाता था चक्का का, तो इसलिए जो है वहाँ पर आपको ब्रेक बेंडिंग का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता था हुआ करता था। इसलिए जो है ना इन टायर कंडीशन में आपको जो है ना इसका हाइट उसमें प्रॉब्लम ना अराइज करे उसी में सेटिंग हम लोग करें, तो इसलिए जो है इसमें हाइट को बढ़ाया गया है 235 मिलीमीटर। ट्रांस बीम हैंगर का जो हाइट दिया गया है अभी 235 मिलीमीटर स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है। नेक्स्ट आपको जर्नल साइज, ये डायमीटर जर्नल साइज मतलब आपको जहाँ पर हम लोग बियरिंग को फिट करते हैं एक्सेल का जो जिस डायमीटर में हम लोग बियरिंग को फिट करते हैं उसका डायमेंशन जो है आपको 120 into 130.5 मिलीमीटर जो डायरेक्ट माउंटेड हम लोग सेल्फ अलाइंट स्पेरिकल रोलर बियरिंग हम लोग जहाँ पर फिट करते हैं उसका डायमेंशन जो है ना 120 मतलब आपको लेंथ और डायमीटर है आपको 130.5 मिलीमीटर आपका उसका डायमीटर। स्पीड ऑफ द ट्रेन फिट टू रन अप टू 110 kmph फॉर मेन लाइन कोर्सेज, मेन लाइन कोर्स के लिए जो है मैक्सिमम जो है आपका 110 किलोमीटर दिया गया है और 130 किलोमीटर दिया गया है आपको गोरीब रथ के लिए, और 140 kmph जो कि हम लोग बोलते हैं आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो है 140 kmph जनशताब्दी के लिए आपको दिया गया था। अभी जो है हम लोग जो बात करेंगे इसमें जो है आपको जानकारी पूरा जो है जानकारी लेना है, आप लोग जो है ना इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसका जो है इसको जो है अलग से दिखाएंगे आपको मेजरमेंट कैसे मापा जाता है बोगी का। इसमें जो है आपको इसका पूरा डिटेल्स आपको जो है ना जानकारी आपका एकदम नॉलेज में रखना चाहिए क्योंकि गाड़ी जब कभी एक्सीडेंट होते हैं ये गाड़ी का जो हम लोग यूज़ करते हैं ये मेजरमेंट को आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए कृपया आप लोग जो है ना इसको याद करके रखिए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग अगला जो वीडियो हम लोग का था उसमें हम लोग देखा थे दिस इज द गाड़ी बोगी को उल्टा उलट के मतलब पीछे लोअर पोर्शन ऑफ द बोगी का टॉप व्यू है, ठीक है बोगी को उलट के हम लोग देखा रहे हैं। तो फर्स्टली जो है बोगी का देखिए हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक दैट इज आपका लेंथ कितनी होनी चाहिए इसको आपको जानकारी होना चाहिए। तो लेंथ होना चाहिए
आईसीए बोगी का लेंथ होता है आपको 3950 मिलीमीटर, दैट इज एंड टू एंड जो है आपका जो मेजरमेंट आपको दिया जाता है इसका लेंथ है आपको 3950 मिलीमीटर, 3950 माने 3950 मिलीमीटर होता है आपका लेंथ ऑफ द आईसीए बोगी, लेंथ ऑफ द आईसीए बोगी है 3950 मिलीमीटर। तो अभी इसका लेंथ है, विड्थ भी होना चाहिए माने चौड़ाई कितना है इसमें भी होना चाहिए, मैक्सिमम चौड़ाई जो होते हैं आपका 2364 मिलीमीटर, 2364 मिलीमीटर आपको चौड़ाई जो होना चाहिए आपको आईसीए बोगी का, ये है 2364 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या है आपका व्हील बेस डिस्टेंस, हम लोग जानते हैं व्हील बेस मतलब आपको एक बोगी से एक बोगी का, एक ही बोगी का दोनों एक्सेल का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं व्हील बेस डिस्टेंस। तो आईसीए में जो व्हील बेस होता है वो है आपका 2896 मिलीमीटर, आईसीएफ में जो व्हील बेस होता है, आईसीएफ में जो व्हील बेस होता है दैट इज एक एक्सेल का सेंटर से दूसरा एक्सेल का एक ही बोगी का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं व्हील बेस डिस्टेंस। तो आईसीएफ में जो व्हील बेस डिस्टेंस है दैट इज 2896 मिलीमीटर, 2896 मिलीमीटर होता है आपका व्हील बेस डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखा रहे हैं आपका ये जो BSS ब्रैकेट है, BSS ब्रैकेट आप लोग जानते हैं चार टू BSS ब्रैकेट है, ये BSS ब्रैकेट टू BSS ब्रैकेट, ये एक BSS ब्रैकेट से एक BSS ब्रैकेट का लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस मतलब लंबा लंबी आपको जैसे हम लोग बोले थे लेंथ ऑफ द आईसीए बोगी 3950 मिलीमीटर, तो BSS ब्रैकेट टू BSS ब्रैकेट लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस वो कितना है, ये है आपको 1400 मिलीमीटर, दैट इज इसका सेंटर से इसका सेंटर जो होता है आपको 1400 मिलीमीटर, BSS ब्रैकेट टू BSS ब्रैकेट सेंटर डिस्टेंस होता है 1400 मिलीमीटर। किसके लिए? और 13 टन बोगीज जिसमें नॉन एसी कोसेज है, नॉन एसी बोगीज है तो उसमें नॉन एसी कोसेज हम लोग जहाँ जिस गाड़ी में हम लोग यूज़ करते हैं उस बोगी का डिस्टेंस होता है आपका 1400 मिलीमीटर। जब एसी कोसेज हो जाएंगे तो इसका जो डिस्टेंस जो है थोड़ा सा और बढ़ जाता है, दैट इसका डिस्टेंस हो जाता है आपको 1500 मिलीमीटर। तो BSS ब्रैकेट टू BSS ब्रैकेट सेंटर डिस्टेंस लॉन्गिट्यूडिनल फॉर नॉन ए सी कोसेज इज 1400 मिलीमीटर, फॉर ए सी कोसेज इज शुड बी 1500 मिलीमीटर, 1500 मिलीमीटर हो जाता है ए सी कोसेज के लिए, नॉन ए सी कोसेज के लिए है आपका 1400 मिलीमीटर। नेक्स्ट है क्या जो BSS ब्रैकेट, यहाँ जो हम लोग बोल रहे थे BSS ब्रैकेट टू नियरेस्ट एक्सेल गाइड का जो सेंटर है, BSS ब्रैकेट टू नियरेस्ट एक्सेल गाइड सेंटर, BSS ब्रैकेट यहाँ देखिए हम लोग बोले थे आपका BSS ब्रैकेट टू नियरेस्ट एक्सेल गाइड सेंटर डिस्टेंस, ये इसमें होता है आपको 463 मिलीमीटर, 463 मिलीमीटर BSS ब्रैकेट सेंटर टू नियरेस्ट एक्सेल गाइड सेंटर लॉन्गिट्यूडिनल जो होते हैं डिस्टेंस जो होता है इसमें होता है आपको 463 मिलीमीटर फॉर 13 टन बोगी। जब 16 टन हो जाएंगे वो आपको जो है ना इसमें 50 मिलीमीटर आपको ऐड कर दीजिए माइनस कर दीजिए क्योंकि इसका डिस्टेंस तो बढ़ जाता है, तो इसलिए जो है ना वो डिस्टेंस हो जाएगा आपको 413 मिलीमीटर मानी 413 मिलीमीटर हो जाएंगे आपका जो है आपको BSS ब्रैकेट टू एक्सेल गाइड सेंटर डिस्टेंस, BSS ब्रैकेट टू एक्सेल गाइड सेंटर डिस्टेंस इज शुड बी 413 मिलीमीटर, 413 मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्या एक्सेल गाइड टू एक्सेल गाइड सेंटर डिस्टेंस, एक्सेल गाइड टू एक्सेल गाइड लॉन्गिट्यूडिनल सेंटर डिस्टेंस क्योंकि लंबा लंबी हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो एक्सेल गाइड टू एक्सेल गाइड ये जो सेंटर डिस्टेंस होते हैं ये है आपको 570 मिलीमीटर, 570 मिलीमीटर ये जो होता है आपको 570 मिलीमीटर एक्सेल गाइड सेंटर टू एक्सेल गाइड सेंटर डिस्टेंस। तो ये हो गया हम लोग का लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल में हम लोग बोले थे BSS टू ब्रैकेट टू BSS ब्रैकेट 1400 मिलीमीटर फॉर 13 टन, 1500 मिलीमीटर 1500 मिलीमीटर फॉर 16.25 टन बोगी। फिर एक्सेल गाइड सेंटर टू BSS ब्रैकेट लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस कितना है ये हम लोग बोले थे 463 मिलीमीटर, 463 मिलीमीटर फॉर नॉन ए सी कोसेज एंड 413 मिलीमीटर फॉर ए सी कोसेज। नेक्स्ट हम लोग क्या बोले थे आपके एक्सेल गाइड सेंटर टू एक्सेल गाइड सेंटर लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस 570 मिलीमीटर, 570 मिलीमीटर एक्सेल गाइड सेंटर टू एक्सेल गाइड सेंटर इट इज़ फॉर बोथ, दैट इज आपको 13 टन के लिए भी जैसा है आपको 16 टन के लिए भी आपको सेम डिस्टेंस है।
तो अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक तो आपको मेजरमेंट मिल गया, तो 3950 से आपको जो है ना हाफ कर दीजिए उसका, जो आपका ये सब जोड़ के उसका बाद वहाँ से जो है आपका जो जितना माइनस कर दीजिए, जितना होगा तो हाफ रहेगा आपको इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस, इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस, तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस डिस्टेंस आपको पूरा जानकारी मिल गया होंगे। अभी हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स डिस्टेंस, मतलब आपको जो है चौड़ाई में विथ में जो है आपका डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ जो है ना पहले जो है आपका हम लोग जानते थे 2364 मिलीमीटर आपका जो है ना विथ है मानी चौड़ाई है। अभी बात करेंगे यहाँ जो देखिए एक ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं ब्रेक हैंगर ब्रैकेट, ब्रेक हैंगर ब्रैकेट। हम लोग ब्रेक हैंगर के बारे में अभी अभी बात किए थे, जो 235 मिलीमीटर न्यू जो ब्रेक हैंगर यूज़ करते हैं, ब्रेक हैंगर यूज़ करते हैं, तो उसका जो ब्रैकेट जहाँ पर हम लोग फिट करते हैं उसका भी सेंटर आपको जो है ना सेम सेंटर होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो है आपका ब्रेक बीम का साथ आपका उसका जो है आपको सेंटर नहीं मिलेंगे। तो आपको डिस्टेंस इसका जानकारी ले लीजिए 1752 मिलीमीटर, 1752 मिलीमीटर ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है आपका ब्रेक हैंगर ब्रैकेट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 1752 मिलीमीटर, ठीक है। 1752 मिलीमीटर होता है आपको ब्रेक हैंगर ब्रैकेट टू ब्रेक हैंगर ट्रांसवर्स डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है, यहाँ जो एक्सेल गाइड है इसका साथ इसका जो आपको ट्रांसवर्स डिस्टेंस, मतलब आपको एक्सेल गाइड सेंटर टू एक्सेल गाइड सेंटर ट्रांसवर्स डिस्टेंस जो होते हैं ये है आपको 2159 मिलीमीटर। तो एक्सेल गाइड सेंटर टू एक्सेल गाइड सेंटर जो डिस्टेंस होते हैं ये है आपका 2159 मिलीमीटर, 2159 मिलीमीटर, 2159 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या है आपका ये जो BSS हैंगर BSS ब्रैकेट है, BSS ब्रैकेट सेंटर टू BSS ब्रैकेट सेंटर जो डिस्टेंस होता है ये भी 2159 मिलीमीटर होता है। BSS ब्रैकेट टू BSS ब्रैकेट जो सेंटर डिस्टेंस होते हैं तो उसका भी आपको 2159 मिलीमीटर आपका इसका डिस्टेंस होते हैं, आपको ट्रांसवर्स डिस्टेंस जो होते हैं दैट इज 2159 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, हम लोग बोले थे वो जो बोस्टर बोगी में जो बोस्टर होते हैं वो बोस्टर में हम लोग बोले थे आपको साइड बेयरर ऑयल फॉट है उसका जो सेंटर डिस्टेंस है वो होंगे आपको 1600 मिलीमीटर, दैट इज आपका साइड बेयरर ऑयल फॉट सेंटर टू साइड बेयरर ऑयल फॉट सेंटर जो आपका सेंटर डिस्टेंस है वो भी 1600 मिलीमीटर, दैट इज़ वेरी वाइटल, क्योंकि आपका जो है वो ऑफ सेंटर अगर हो जाएंगे मतलब आपको 1600 नहीं करके आपको 10 मिलीमीटर आगे पीछे कर देंगे तो लोड जो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे गाड़ी का इट विल इफेक्ट ऑन द बोगी, ये जो है ना बोगी पर आपको जो है ज़्यादा इफेक्ट करेंगे, तो इसलिए जो है ना वो भी सेंटर आपको डिस्टेंस आपको पक्का होने चाहिए, ये शुड बी मेंटेन 1600 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया हम लोग का जो है आपका ये ट्रांसवर्स डिस्टेंस का मेजरमेंट। नेक्स्ट हम लोग मापेंगे आपका डायगोनल डिस्टेंस, डायगोनल डिस्टेंस फ्रेंड्स आपको मालूम हो गया है 2364 है आपका विथ और लॉन्गिट्यूडिनल जो आपको जो है ना लेंथ है आपका 3950 मिलीमीटर, तो आपको कॉर्नर से कॉर्नर टू कॉर्नर आपको जो है ना मेजरमेंट आपको जो है ना मेजर कर सकते हैं आपको कितना होगा, दैट इज द डायगोनल डिस्टेंस। हम लोग जानते हैं आपको लेंथ स्क्वायर प्लस विथ स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो है ना उसी से हम लोग स्क्वायरिंग करके हम लोग रूट करेंगे अगर इसी का स्क्वायर को, तो हम लोग जो है ना उसमें हम लोग को मिल जाएंगे आपका जो है ना इसका डिस्टेंस मैंने लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस कितना होंगे उसमें हम लोग को मिल जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट है क्या, ये जो डायगोनल डिस्टेंस है BSS ब्रैकेट टू BSS ब्रैकेट, इसमें आपको जानकारी आप ले लीजिए, ऐसे बोगी का आपको डायगोनल उतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोगी का डायगोनल आपको जब ये सब मेजरमेंट आपको कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा बोगी स्क्वायरनेस है कि नहीं है, तो ये ज़रूरत पड़ता है आपको POS का टाइम में। ये गाड़ी जब एक्सीडेंट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ चेकिंग जो है जो इंस्पेक्शन करने के लिए जब आते हैं सेफ्टी ऑफिसर तो वो जो है बोगी को उलट के जो है आपको जो है ना पूरा मेजर करते हैं जो इधर जो बोगी इज इन ऑयल कंडीशन और नॉट, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द बोगी और नॉट, तो आपको जो है ना POS का टाइम में इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे ये जो BSS ब्रैकेट
सेंटर टू बीएसएस ब्रैकेट सेंटर जो यही डिस्टेंस जो है डायगोनल डिस्टेंस जो होता है ये जो होता है 2573 मिलीमीटर 2573 मिलीमीटर कितना होता है 2573 मिलीमीटर पर 13 टन बोगी 13 टन बोगी के लिए 2573 मिलीमीटर होता है आपका डायगोनल डिस्टेंस इन बिटवीन द बीएसएस ब्रैकेट टू बीएसएस ब्रैकेट फॉर 13 टन बोगी इट शुड बी 2573 मिलीमीटर फॉर 16 टन बोगी इट शुड बी 2629 मिलीमीटर 2629 मिलीमीटर फॉर 16.25 टन बोगी 2629 मिलीमीटर क्योंकि हम लोग जानते हैं इसका जो लेंथ जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है लॉन्ग इंसुलेशन डिस्टेंस जो है ना बढ़ जाता है 1500 मिलीमीटर हो जाता है इन दैट कंडीशन द डायगोनल डिस्टेंस जो है आपका 2629 मिलीमीटर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका एक्सेल गाइड सेंटर। एक्सेल गाइड सेंटर टू मान लिया जाए यहाँ पर आपको आउटर एक्सेल गाइड सेंटर एक इस साइड से आपको जो है लेना पड़ेगा एक उल्टा साइड का आपका जो डायगोनल डिस्टेंस आपको मेजर करना पड़ेगा तो इनर साइड का आपको देखना पड़ेगा मतलब एक साइड का आउटर एक साइड का आपका इनर तो दैट शुड डिस्टेंस शुड बी द डायगोनल डिस्टेंस इन बिटवीन द टू एक्सेल गाइड सेंटर ई शुड बी 3612 मिलीमीटर 3612 मिलीमीटर ई शुड बी 3612 मिलीमीटर 3612 मिलीमीटर दिस डायगोनल डिस्टेंस शुड बी 3612 मिलीमीटर। अगर इससे लेंगे हम तो इधर वाला इनर लेंगे अगर इसका इनर लेंगे तो इधर वाला आउटर लेंगे फिर जो है आपका इसका इनर लेंगे तो इधर वाला आउटर लेंगे तो इट शुड बी मेजर 3612 मिलीमीटर डायगोनल डिस्टेंस इन बिटवीन द टू एक्सेल गाइड सेंटर शुड बी 3612 मिलीमीटर। तो यहाँ जो है आपको बता देता हूँ आपको टॉलरेंस रहता है आपको 1 मिलीमीटर पर डायगोनल के लिए मैक्सिमम जो है 1.5 मिलीमीटर आपको टॉलरेंस दिया जा दे सकते हैं आपका डायगोनल डिस्टेंस इन बिटवीन द टू एक्सेल गाइड आपका जो है मैक्सिमम जो है आपका 1.5 मिलीमीटर दे सकते हैं लेकिन इधर जो है आपका ये जो डिस्टेंस है आपका बी एस एस ब्रैकेट टू बी एस एस ब्रैकेट इसमें मैक्सिमम जो है आपको 0.5 मिलीमीटर आपको दे सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो है आपको ये जो एक्सेल गाइड लॉन्गिट्यूडिनल जो डिस्टेंस है हम लोग बोले थे आपका 570 मिलीमीटर ये शुड बी 0.5 मिलीमीटर टॉलरेंस यहाँ जो दिया गया है आपका 164 मिलीमीटर ये शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। तो ये जो है आपका बोगी का ये जो पूरा टोटल बोगी का आपका मेजरमेंट जिसमें हम लोग यहाँ देखिए हम लोग स्लाइड में मेरा स्लाइड में हम दिए हैं आप कृपया इसको जो है नोट कर लीजिए।